अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजक और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अगर आप अल्ट्रा वाइट मॉनिटर परचेज करने जा रहे हैं तो हो सकता है इस अपग्रेड से आपको कोई फायदा ना हो। अगर आप गेमिंग सेटअप बनवाना चाह रहे हैं तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि कौन सा गेमिंग सेटअप आपके लिए परफेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे उन वजूहात का जिसकी वजह से एक गेमिंग सिस्टम, ख्वाब हो गेमिंग लैपटॉप हो, गेमिंग डेस्कटॉप हो या गेमिंग कंसोल हो, ओवरहीट होता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एक बजट गेमिंग सिस्टम कैसे बनवाया जाए। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वीडियो गेम लाइव स्ट्रीमिंग क्या है। आज हम इस वीडियो के अंदर कनेक्ट इंटरनेट का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम उन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे जो एक ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते वक्त आपको जरूर देखने चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम पीसी केस फैंस की बात करेंगे कि कौन से पीसी केस फैंस आपके सिस्टम के लिए परफेक्ट हो। आज हम इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे कोर्सेयर वाइड 7.1 आरजीबी गेमिंग हेडसेट का। जी हाँ, ये गेमिंग एक्सेसरीज और अब गेमिंग लैपटॉप बनाने वाली मशहूर कंपनी रेजर का लोगो है। आज हम लॉजिटेक के मुताबिक उनका सबसे एक्यूरेट और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेल होने वाला माउस लॉजिटेक G502 हीरो का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यूज्ड पीसी कंपोनेंट खास तौर पे गेमिंग सिस्टम बनवाते वक्त या यूज्ड गेमिंग कंसोल और उसकी गेम्स। तो दोस्तों आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मिनट, RTX 2060 की अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और रिव्यू करेंगे। तो आज हम उन 5 की फीचर्स की बात करेंगे जिनसे गेमिंग मॉनिटर की सिलेक्शन आपके लिए निहायत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए आज हम एक ऐसी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे जो हमें बजट में रहते हुए सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ एक्सीलेंट हैंडी फीचर्स भी प्रोवाइड करे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उन दोस्तों को PTCL का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं जो पाकिस्तान से बाहर हैं या आज तक जिन्होंने PTCL की सर्विसेज अवेल नहीं की। और आज हम उन तमाम फैक्टर के ऊपर बात करेंगे जिनकी वजह से मोबाइल के ऊपर वाईफाई यूज करते हुए स्लो स्पीड और मोबाइल गेमर्स। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम Red Dragon H510 Zeus 7.1 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजक्स और आज हम रिव्यू करेंगे ब्लडी Q135 गेमिंग कीबोर्ड का। बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए कि कौन सा गेमिंग कीबोर्ड सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इंटेल ऑप्टेन मेमोरी के बारे में और हम जानेंगे कि इंटेल ऑप्टेन मेमोरी क्या है। आज हम मोस्ट फेमस बजट गेमिंग हेडसेट ब्लडी G300 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। गेमिंग सिस्टम बनवाते वक्त प्रोसेसर की सिलेक्शन सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। गाइस आज हम मोस्ट रिक्वेस्टेड हार्डवेयर कंपनी फैंटेक की प्रोडक्ट फैंटेक क्रिप्टो VX7 मैक्रोस गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करेंगे। आज हम मार्केट में मौजूद ट्रू मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग सिर्फ रिव्यू करेंगे और वो कीबोर्ड है ज़ेक्रीट K820L मैकेनिकल कीबोर्ड। ये डिवाइस जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इससे आप गेमिंग कीबोर्ड और माउस अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी वायरलेस तरीके से। पिछले कुछ दिनों से मेरे टेस्ट सेटअप के ऊपर गेम्स में FPS काफी ड्रॉप हो रहे थे, यहां तक के वो गेम्स जिनके अंदर मुझे स्टेबल FPS मिलते थे वो गेम्स अनप्लेएबल होती जा रही थी लो FPS की वजह से। आज की रिव्यू वीडियो के अंदर हम बात करेंगे A4Tech Bloody G528C जो कि एक इनएक्सपेंसिव गेमिंग हेडसेट है। आज से तकरीबन एक महीना पहले NVIDIA ने अपनी न्यू ग्राफिक्स कार्ड सीरीज RTX 3000 अनाउंस की थी। आज हम 10 ऐसे बजट ग्राफिक्स कार्ड्स की बात करेंगे जो हमें 10,000 से 20,000 के दरमियान या इससे भी कम प्राइस के अंदर मोस्ट फेवरेट गेम्स। इसीलिए मेरे बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या वो अपने गेमिंग सिस्टम के अंदर हाई परफॉर्मेंस सर्वर प्रोसेसर इंस्टॉल कर सकते हैं। और आज हम Red Dragon K552 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। और आज हम स्पेशली लैपटॉप और पीसी गेमर्स के लिए वायरलेस गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लाए हैं। और नेक्स्ट जनरेशन गेमिंग हार्डवेयर जिसमें कंसोल्स में PlayStation 5, Xbox Series X और पीसी गेमर्स के लिए NVIDIA की तरफ से RTX 3000 सीरीज,
आज की इस वीडियो के अंदर ना तो हम किसी पीसी पार्ट की बात करेंगे और ना ही कोई अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको अपनी प्लेस्टेशन 4 गेम्स की कलेक्शन का टूर और उनका शॉर्ट रिव्यू दूंगा। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया मेरी प्लेस्टेशन 4 की गेम्स कलेक्शन को लाइक करने के लिए। आज हम रेड ड्रैगन साइरन 2 7.1 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, और ये टी डैगर की तरफ से एटलस गेमिंग हेडसेट है जिसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, और इसके अलावा इसकी प्राइस की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज हम ब्लडी G600i गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम पीसी बिल्डिंग के मेन कंपोनेंट पीसी केस सिलेक्शन की बात करेंगे, और आज हम एक ऐसी स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जो एप्पल वॉच सीरीज 5 का क्लोन वर्जन है। इसका नाम T500 स्मार्ट वॉच है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम कोर्सियर की तरफ से HS50 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, जो ब्लडी और ड्रैगन की कंपेटिटिव प्राइस के अलावा सॉलिड बिल्ड कंस्ट्रक्शन और कोर्सियर की ट्रस्टेड साउंड क्वालिटी के साथ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज हम सीपीयू कूलर्स के ऊपर डिटेल से बात करने जा रहे हैं, और ये है फेंटेक की तरफ से स्कार EG2 इन ईयर गेमिंग एयरप्लग्स, जो ना सिर्फ दिखने में अच्छे हैं बल्कि नॉर्मल मोबाइल ईयरफोन्स के मुकाबले में बहुत से एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज हम करने जा रहे हैं फेंटेक थॉर 2 X16 गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड की साउंड और फील मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी है? इसका जवाब हमें ब्लडी B500N मेका लाइक स्विच गेमिंग कीबोर्ड देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और मैं दुआ करता हूं कि ये साल हम सब के लिए लकी साबित हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेड ड्रैगन M601 सेंट्रोफोरस 2 RGB गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट प्लेयर की तरफ से K8 फायर डांसिंग किट, जो कि गेमिंग कीबोर्ड और माउस कॉम्बो है, को अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहे हैं। आज हम रेड ड्रैगन की तरफ से M808 स्ट्रॉम RGB गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। आज वो दिन आ गया है जब हम अब तक के सबसे सस्ते मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम 5 एंड्रॉइड एमुलेटर्स फॉर पीसी को टेस्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड हार्डवेयर ब्लडी G530 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेड ड्रैगन G808 हेरो वायरलेस गेम कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सबॉक्स 1 और प्लेस्टेशन 4 वायरलेस कंट्रोलर्स को पीसी के साथ वायरलेस तरीके से किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉजिटेक G102 गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम फेंटेक की तरफ से HG15 कैप्टन 7.1 गेमिंग हेडसेट लाए हैं। यह है सैमसंग A50 और ये एक साल से मेरा गेमिंग फोन है जिस पर मैं गेम्स लाइक पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फ्री फायर वगैरह खेलता हूँ। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिनीसो की तरफ से मार्वल्स एक्सटेंडेड माउस पैड का, जो आजकल लो प्राइस होने की वजह से बजट गेमर्स की फेवरेट चॉइस बना हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्लडी B150N गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं ब्लडी की तरफ से ऐसा 7.1 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ ग्रेट लुक्स, RGB बैकलाइट, निहायत लाइट वेट और सुपर कंफर्टेबल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉजिटेक की तरफ से F710 गेम पैड फॉर पीसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। दोस्तों, एट लास्ट काफी रिक्वेस्ट के बाद हम इस चैनल के ऊपर रेजर की प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं, और ये प्रोडक्ट है रेजर वाइपर मिनी गेमिंग माउस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ब्लडी G520 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम टी बोरा मैकेनिकल कीबोर्ड को अनबॉक्स और इसका डिटेल्ड रिव्यू करने जा रहे हैं। ये हेडफोन्स रिसेंटली मैंने Daraz.pk से रिव्यू के लिए परचेज किए हैं। तो देखिए, मुझे ये इस तरह की पैकिंग में भेजा गया है।
कुछ रोज पहले मैंने YouTube की एक शॉर्ट वीडियो लॉन्च की थी जिसमें ब्लडी के 7.1 कंट्रोल सॉफ्टवेयर की अपनी बेस्ट सेटिंग्स डिस्क्राइब की थी। रेड ड्रैगन कोबरा गेमिंग माउस आजकल आपको मोस्ट गेमिंग सेटअप्स के साथ देखने को मिलेगा। रेड ड्रैगन K585DT वन हैंडेड मैकेनिकल गेमिंग कीपैड है जिसके साथ डेडिकेटेड मैक्रोस कीज, 4 बैकलाइट मोड्स, फुल की रोल ओवर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजेक्स और आज हम ब्लडी के ब्रांड न्यू गेमिंग हेडसेट G580 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं। गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।